हेलो एवरीवन, सिड हियर बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप लैरवेल 8 में सोसलाइट यूज़ करके आप गूगल लॉग इन विथ गूगल यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स कि आप लॉग इन विथ गूगल, फेसबुक इस तरह से। सो इसमें पैकेज है सोसलाइट लैरवेल में। हम तो लैरवेल 8 हम यूज़ कर रहे हैं अभी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या इसका यूज़ है, किस तरह से आप इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है, इफ़ आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रियल प्रोग्रामर, और इसके साथ बने रहिए। इसमें बहुत सी वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ डे बाई डे, तो डेफिनेटली आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी वो वीडियोज़। तो इफ़ आपको नहीं पता किस तरह से आपको देखना है, तो आप सबसे पहले यूट्यूब पर जाके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं रियल प्रोग्रामर। सो दोस्तों, जैसे ही आप रियल प्रोग्रामर सर्च करेंगे, रियल प्रोग्रामर, आप यहाँ पे जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से आपके पास में नोटिफिकेशन आती रहेंगी जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं दोस्तों। उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है मेरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी, आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं जो जो भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैरवेल 8 सोसलाइज के बारे में। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो पहले लॉगिन के लिए होता है, आपको ये समझ में आ गया होगा हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको लैरवेल का जो ऐप है ना वो क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, .env फाइल में आपको करना होगा। उसके बाद आप में इंस्टॉल जेट स्ट्रीम करना होगा, इंस्टॉल सोसलाइट पैकेज है, क्रिएट गूगल API फॉर ऑथेंटिकेशन, पुट योर कोड इनसाइड द कॉन्फ़िगरेशन .php। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आपको लैरवेल इंस्टॉल करना है दोस्तों। आपको आइडिया होगा किस तरह से लैरवेल इंस्टॉल करना है। इफ आपको नहीं आइडिया है तो आप मेरे ना वीडियोज़ को देख सकते हैं, मैंने जो आपको अभी दिखाया सीरीज, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है किस तरह से आपको लैरवेल इंस्टॉल करना है, किस तरह से राउट्स काम करता है, किस तरह से मॉडल क्रिएट करते हैं, किस तरह से कंट्रोलर काम करता है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं मैंने वहाँ पे ऑलरेडी वीडियो में बताई हुई है, ठीक है। मैंने दोनों में इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाया हुआ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं। लैरवेल जब आपका सेटअप हो जाए तो .env फाइल में जाके आप डेटाबेस का सेटअप कीजिए। उसके बाद में आपको जेट स्ट्रीम जो है वो इंस्टॉल करना होगा, सोसलाइट पैकेज इंस्टॉल करना होगा। गूगल की API के लिए आपको ये क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं, आप यहाँ पे जाके, दोस्तों मैं इसको डिलीट कर दूंगा फॉर द टेस्टिंग पर्पस, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके गूगल API सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रही हैं, आपको वहाँ पे जाके अपनी क्रेडेंशियल को क्रिएट करना होगा, ठीक। आपको auth 2 जो है वो लेना सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप API सर्विसेज सर्च मार के जा सकते हैं डायरेक्टली, ये सर्विसेज होती हैं, आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो जब दोस्तों आप इसको क्रिएट करेंगे, मैंने स्टेप स्टेप सब कुछ बताया हुआ है, आप जैसे ही क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में क्रिएट करने के बाद में हम आते हैं अपने इस पे वीडियोज़ पे। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा मेरी गूगल की सीक्रेट की वगैरह, दोस्तों मैं इसको डिलीट कर दूंगा फॉर द टेस्टिंग पर्पस, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको जब क्रिएट करेंगे इंस्टॉल करने के बाद में, आपको इस तरह से यहाँ पे सर्विसेज में ऐड करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी ब्लॉग लिखा हुआ है, तो आपके काफ़ी यूज़ का होगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया कि लैरवेल इंस्टॉल करने से लेके हर एक चीज़। तो आप ये देखिए, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, मैं आपको दिखाते जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे हमने किया है। तो लेट मी शो यू, देखिए .env फाइल में हमने यहाँ पे डेटाबेस का क्रेडेंशियल पुट किया, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको ये जो जेट स्ट्रीम है वो इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में ये पैकेज है बेसिकली, इसको जेट स्ट्रीम इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ लाइव वायर के साथ में यूज़ किया, तो मैंने ये भी कमांड आपको बता दी। तो आपको ये रन करना होगा। देन आपको सोसलाइट पैकेज, जैसे हमने बताया कि हम लैरवेल पे जब भी यूज़ करते हैं तो लैरवेल का सोसलाइट पैकेज हम उसका यूज़ करके बेसिकली फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इस तरह के हम ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब आपको ये जो नोट का पैकेज है ये दोनों रन करने होंगे, ठीक है। जो डिपेंडेंसीज होती है नोट की वो सारी डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद में ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आप उसमें जाएंगे, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आपको जाना है कॉन्फिग के अंदर, service.php के अंदर आपको जो आप जनरेट करोगे क्लाइंट और सीक्रेट की इस तरह से दिखेगी। ये है क्लाइंट की, सीक्रेट की, आप यहाँ से देख सकते हैं।
आपको वहाँ पे जाके अपने ये कोड आपको पुट करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा जो यूज़र नाम का जो होगा कॉलम, उस पर हम एक ऐड करेंगे गूगल, ये एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है, गूगल अंडर स्कोर आई डी कॉलम, ये हम नया ऐड करेंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन हम पुट करने जा रहे हैं जो हमने ये क्रिएट किया ऐड कॉलम समथिंग। सो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यूज़र टेबल में ही एक अलग से मैं यहाँ पे उसके अंदर ही एक अलग से क्रिएट करूँगा कॉलम। तो इस तरह से आप ना क्रिएट कर सकते हैं कॉलम भी, ठीक है। हमने यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे जाके क्रिएट किया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, नाउ अपडेट यूज़र मॉडल। दोस्तों अब यूज़र मॉडल में क्या कर रहे हैं हम, उसी चीज़ को हम यहाँ पे सारी चीज़ें जो होंगी, जो हमारी ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ें होती हैं, पुट करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यूज़र नाम का हमारे पास में ऑलरेडी जो है ऑथेंटिकेशन के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो बाई डिफ़ॉल्ट में सारी चीज़ें मिलती हैं, उसको जेट स्ट्रीम हमने यूज़ किया, तो जेट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। ये पैकेजेस हैं, इसको आप देख लीजिएगा कि हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया है, जो बाई डिफ़ॉल्ट उसको इंस्टॉल करने के बाद मिलेगी, इसको ध्यान दीजिएगा। अब फिलेबल में हमने बना रखा है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे जब भी यूज़र गूगल के थ्रू आएगा तो यहाँ पे फिलेबल ये भी होगा गूगल आईडी, तो हमने इस वजह से यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये जो प्रोटेक्टेड है बाई डिफ़ॉल्ट, जो हमारा जेट स्ट्रीम वगैरह इंस्टॉल करने के बाद में होता है, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों राउट्स आपको पता होगा किस तरह से हम कॉल करते हैं। इफ़ आपको आइडिया नहीं है दोस्तों किस तरह से राउट्स जो है लैरावेल 8 में काम करता है, तो आप मेरे वीडियो को देख लीजिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ राउट्स किस तरह से काम कर रहा है। पहले हमारा जो व्यू है, हम व्यू रोट कर रहे हैं, कोई भी यूआरएल में होम पेज में जाता है तो हम वेलकम पेज पर पहले कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे ही कोई क्लिक करता है लॉगिन वाले में, तो हमारा लॉगिन वाला जो पेज था, ठीक है, वो खुलेगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हिट करने के बाद में हम इस वाले जो इस पर कोई क्लिक करेगा तो हम इस पर रिडायरेक्ट करते हैं। रिडायरेक्ट करने के बाद में फिर हम इस पर जो है गेट मेथड के थ्रू ही ये इसके अंदर भेजते हैं, और ये कंट्रोलर होता है हमारा, ये फंक्शन होता है, इसको कॉल करके हम उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं डैशबोर्ड में, ठीक है। वेरीफाइड है तो उस डैशबोर्ड के अंदर चला जाएगा। हमने यहाँ पर मिडिलवेयर लगा रखा है और एक ये सैंक्टम्स, तो इस तरह से आप जो है यूज़ कर सकते हैं, डैशबोर्ड के अंदर जाएगा। अब रही कंट्रोलर की बात, हम अंदर कंट्रोलर के अंदर आते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोलर के अंदर आते हैं, हमने यहाँ पे यूज़र मॉडल अपना यूज़ किया है, सो स्लाइड पैकेज यूज़ किया है, ऑथेंटिकेशन के लिए हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये पैकेज है बेसिकली जो यूज़ हो रहे हैं, यूज़ नेम स्पेस के थ्रू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा जो ये कंट्रोलर है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे हैं, इस कंट्रोलर के अंदर हमने फंक्शन बनाया रिडायरेक्ट टू गूगल, ठीक है। हमने एक सो स्लाइड के यहाँ पे यूज़ किया है ड्राइवर के लिए, तो इफ बताता हूँ इस फंक्शन का यूज़ क्या होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमारा जो ये फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है रिडायरेक्ट टू गूगल, ठीक है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा जो राउट है, ठीक है, रिडायरेक्ट टू गूगल, जब ये कोई इसको हिट करता तो हम यहाँ पे भेजते हैं रिडायरेक्ट टू गूगल, ठीक है। हम सोशलाइट पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ड्राइवर हमारा ये है, तो रिडायरेक्ट करके हम यहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। अब स्क्रॉल कीजिए नीचे, अब क्या हो रहा है, ये हैंडल हमने कॉल बैक जो यूज़ किया है, ये देखिए ये सेकेंड ये हैंडल, तो जब ऑथेंटिकेट करेगा बेसिकली उसको कॉल बैक फंक्शन की ये ऑथेंटिकेट है या नहीं, सारी चीज़ें जो भी रिटर्न आएंगी तो हम इसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्राई कर रहा है कि तो स्लाइड में जो है यूज़र सही है, तो वेयर कंडीशन से चेक करके हम यूज़र को फाइंड करके हम डायरेक्टली इसके अंदर भेज रहे हैं, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं एक नया यूज़र जो है क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो डमी पासवर्ड बेसिकली हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं जो हो रहा है इस तरह से यूज़र का, और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप ये देखेंगे ये जो हमारी यूज़र की आईडी है उसको हम एज अ गूगल की आईडी बना दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब स्क्रॉल करते हैं नीचे, इस पैकेज के थ्रू जो आ रहा है हम उसको यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं नीचे आया, अब हम क्या कर रहे हैं, जब ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए एक वेरिएबल में ले रहे हैं और सब कुछ ठीक है, तो हम डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं। इफ़ यूज़र लॉगिन है तब भी हम रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं है तो यूज़र को क्रिएट करके हम डैशबोर्ड में कर दे रहे हैं। एक्सेप्शन कुछ होता है तो हम यहाँ पे डीडी करके यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है कि और मैसेज यहाँ पे अलर्ट आ गया है। अब हम आते हैं अपडेट वाले में, तो दोस्तों जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो ये पेज जो है आपको पहले से मिल जाएगा। आपको जो चेंजेस करने होंगे तो आप यहाँ पे सेशंस वगैरह में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ लॉगिन के लिए पहले से ही होता है। बस हमने क्या किया, यहाँ पे जाके चेक किया सारी चीज़ ऑथेंटिकेटेड है, तो इस तरह से हमने गूगल वाला जो यहाँ पे एक इमेज लगा दी लॉगिन वाले के लिए, बाकी ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। तो आप इस स्टेप को सारी चीज़ें देख के अपने से फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसका कोड भी चेक कर सकते हैं, मैं इसका जो कोड है ये गिटहब की रिपोजिट्री है, तो मैं आपको यहाँ पे जो आपको दिख रही है गिटहब की रिपोजिट्री, मैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में ऐड कर दूंगा,
अपने, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने चेक किया, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। आप चेक कीजिए, आप में कोई डाउट होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, फिर से आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्रिएट करके दिखाते हुए लेके चलूँगा, ठीक है। तो आपने अभी मेरे गिटहब अकाउंट को भी सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फॉलो कर लीजिए मुझे, और उसके साथ साथ में आप कनेक्ट रहिए इस वेबसाइट के साथ में और चैनल के साथ में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, तो आप प्लीज़ अपने जो भी प्रॉब्लम है किसी भी स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग में, तो आपने कमेंट को बिलो सेक्शन में आप पुट कीजिए, डेफिनेटली मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलिए।